इधर कुछ लोग सही आदमी नहीं है, जगह ना बिल्कुल सेफ नहीं है। इधर आदमी लोग ना आके गाड़ी से वो आके ना आधे रास्ते की लैला मजनू की जो मजार है इंडिया में, राजस्थान में, गुजरात में, पाकिस्तान, नेपाल में, भाई लैला एक थी, मजनू एक था, क्या उसका हाथ काट के इंडिया में भेज दिए, क्या उसका पाँव काट के पाकिस्तान में भेज दिए भाई, कुछ इस तरीके से गुफा थी। कैफ एंड लैला कैफ वेयर दे यूज इट टू मीट। नीचे पार्टी शाटी हो रही है, गाड़ी लगी है, सांसे चर गई है। बहुत ही मेहनत से बाहर आना पड़ता है, आपके भाई के ही बाइक काट कर रहे हैं लोग, देख लो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आज म्यूजिक ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ ना लैला मजनू का गांव, और लैला मजनू जहाँ मिलते थे वो चीज़ दिखाऊँगा, और लैला मजनू की कब्र जो है वो दिखाऊँगा। अभी मैं जहाँ पे हूँ इस वक्त सऊदी अरबिया अल अफलाज अल लैला में गाँव में मैं हूँ, ठीक है। और ये जो पहाड़ है मेरे ऊपर देख रहे हैं, ये यहाँ पर लोग मिलते थे और इसके नीचे लोग मिलते थे, थोड़ा सा नीचे है, लेकिन मैं ऊपर चला आया हूँ जस्ट अभी के। और इस वीडियो में ना ये भी चीज़ आप लोग को बताऊंगा, देखिए काफ़ी सारे लोग हैं ना बोलते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं कि लैला मजनू की जो मजार है इंडिया में, राजस्थान में, गुजरात में, पाकिस्तान, नेपाल में, भाई लैला एक थी, मजनू एक था, क्या उसका हाथ काट के इंडिया में भेज दिए, क्या उसका पाँव काट के पाकिस्तान में भेज दिए, जो आप लोग इतना सारा फालतू का बकवास करके वीडियो बना बना के आप लोग दिखा रहे हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? भाई लैला जो थी वो सऊदी अरबिया की थी, कैस मजनू जो था उसका नेम कैस था, वो यमन का था, वो लोग यहाँ पे यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ पे इधर ही प्यार मोहब्बत किए, इधर ही सब कुछ किए, उनकी मौत हो गई तो दफन भी इधर ही किया गया, यहाँ पे कोई मजार उजार नहीं बनी, यहाँ मकबरा है, उनकी मौत हो गई तो दफन भी इधर ही किया गया, यहाँ पे कोई मजार उजार नहीं बनी, यहाँ मकबरा है। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और छोटा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जस्ट अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे जो ट्रायल है ऊपर जाने का, जो जो गुफा है जहाँ पे लैला मजनू आके लोग मिलते थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग हैं, और यहाँ पे ना मेरे ख्याल से कोई पार्टी शार्टी चल रही है, तो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, पार्टी शार्टी करेंगे, और हम लोग तो जाएंगे थोड़ा सा ऊपर। तो हम लोग अभी इधर ही ना तो जाएंगे ऊपर, आप लोग को दिखाता हूँ, हम लोग को यहाँ पे ऊपर जाना है, है ना। तो ये इतने ऊपर हम लोग को जाना है, तो आज पार्टी शार्टी भी चल रही है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर, और ऊपर चढ़ के आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे जहाँ पे ये लोग मिलते उलते थे। और काफ़ी लोग आए हुए हैं, लेडीज वेडीज भी हैं, सब हैं, है ना, औरत वगैरह भी हैं, सब हैं। तो यहाँ पे भी ना कुछ शूटिंग वूटिंग चल रही है, ये लोग अपने कर रहे हैं, पार्टी वूटी है, और मालूम नहीं क्या है इन लोगों का। हम लोग तो अभी जा रहे हैं ऊपर, बस थोड़ा सा ना ये एक गाड़ी वाला आया था बंदा, जो कि उसमें तीन चार लोग थे, चार पांच लोग, तो एक तो शीशा उतार के मेरे से बोलता है कि मतलब आईफोन दे दो, जैसा कि अभी आप लोग देखे थे, लेकिन वो लोग ना आदमी देखे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है तो भाग गए। तो अगर आप लोग अगर आ रहे हो ना तो अकेले नहीं आना कभी भी, कम से कम कुछ नहीं तो चार पांच बंदे साथ में आना, और उतना कोई हैवी इक्विपमेंट नहीं लेके आना अपना, जैसे कैमरा हो गया या पैसा वैसा हो गया, ये सब नहीं लेके आना, ठीक है। और बहुत ही ना एहतियात से रहना यहाँ पे जब भी आना। तो बाकी और है जो बातें चल के ऊपर बातें करेंगे हम लोग, और अभी ये ऊपर जाना है तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, हम लोग जा रहे हैं ऊपर, चलिए। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, देखिए रास्ता है कुछ इस तरीके से, कुछ रास्ता है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो भाई इतना दूर हम लोग आए हैं ऊपर, हालत ख़राब हो गई, अभी अभी हम लोग आधे ही ऊपर आए हैं, और हम लोग के पीछे देख रहे हैं पार्टी शार्टी चल रही है इधर, ठीक है। हो क्या हाल है सतरे भाई, ठीक है, सांसें चर गई है। ये देखो ये तो अरशद की तो और हालत ख़राब हो गई, उस दिन मैं एक ब्लॉग बनाया था जबल नूर का, मक्का गया था, वो आई बटन में लगा दूंगा आप लोग देखिएगा, वो तो काफ़ी ऊपर जाना था मुझे, ठीक है, वो तो काफ़ी ऊपर जाना था मुझे, लेकिन फिर भी गया था मैं। और थोड़ा सा यहाँ से आप लोग को दिखाता हूँ, देख लीजिए कुछ ये नज़ारा है, नीचे पार्टी शार्टी हो रही है, गाड़ी लगी है, ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते धीरे धीरे। और यहाँ से भी देख लीजिए ये सीढ़ी बनी हुई है, अच्छी खासी सीढ़ी बनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ये है कि आराम आराम से चलते रहो।
तो भाई आ गए हम लोग ऊपर, ज़्यादा नहीं सिर्फ थोड़ा सा ही था। और ये देख लो भाई, यही है सुरंग। देखो कोई आके बना के गया, दिलू सब लोग आते हैं यहाँ पे, हाँ विजिट करते हैं। तो भाई हम लोग आ गए हैं ऊपर, हम लोग को दिखाया हूँ जैसा कि बहुत थक गया था। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बोर्ड भी लगा है, ये देख लिए, वेयर दे यूजेड टू मीट कैश एंड लैला कैफ वेयर दे यूजेड टू मीट। तो यहाँ पे भी क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लोग आके मिलते थे। अच्छा इससे पहले भी मैं आया था, ब्लॉग बनाया था, नेम लिखा था, देखता हूँ पहले नेम है कि नहीं। यहाँ पे मैं लिखा था अपना भी नेम, ये बिलाल का देखो यहाँ पे है, बी और एल करके कुछ लिखा था इसका है यहाँ पे, मेरा इधर था शायद मिट गया है। फोन नंबर भी लिखे जाते हैं, हाँ तो देख लो सब ये लोग नेम वेम लिखे। उस दिन तो हम लोग ऊपर भी गए थे, अभी चलेंगे आपको भी थोड़ा सा दिखाएंगे ऊपर चल के। और ये देख लो कुछ ये गुफा है, तो थोड़ा सा अंदर चल के आप लोग को दिखाते हैं अंदर का व्यू। तो भाई बहुत खतरनाक दिख रही है, ये देख लीजिए है ना, सब बदबू भी अजीब आ रही है। तो यही है गुफा, ये देख लीजिए आप लोग, ये एक यहाँ पे छोटा सा और रास्ता था पहले, बंद हो गया है ये वाला। तो भाई कुछ इस तरीके से गुफा थी, बनाए थे ये लोग अपना काट कूट के, तो इसी में आके ये लोग मिलते रहते थे और लोग आके इसमें नेम वेम लगा के रखे हैं अपना लिख के। हो बहुत ही मेहनत से बाहर आना पड़ता है। तो ये देख लो भाई, सादरे भाई भी है, ब्लॉग व्लॉग शूट कर रहे हैं मस्त, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, देख लीजिए भाई कुछ ये व्यू है भाई। तो यहाँ पे ना कुछ विजिटर लोग आए हैं, कोई बहुत ही खास है तो लोग विजिट करा रहे हैं, तो थोड़ा सा ना उनके साथ ना लेडीज़ भी हैं, तो बोल रहे हैं कि थोड़ा आप लोग साइड, हाँ कोऑपरेट करें, थोड़ा साइड में जाएं क्योंकि सब एक फैमिली से हैं। तो हुआ कि चलो ठीक है हम लोग ऊपर चले जा रहे हैं। सब देखो भाई कितने लोग आते हैं कहाँ कहाँ से देखने के लिए, हम लोग इंडिया से चले आए देखने के लिए। हाँ हम लोग इंडिया से चले आए देखने के लिए। और वो लेडीज लोग हैं वो देखिए आ रही हैं, वो सब ऊपर आ गए हैं। और इधर आसाद उसाद है, ये लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग बिल्कुल टॉप पे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, हवाएं ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी चल रही है। तो सोचा कि आप लोग को थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा। और इससे पहले अभी आप लोग को ना थोड़ा सा जो गांव है ना, गांव की थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ, थोड़ा सा वादी है। मैं बिल्कुल अभी टॉप पे हूँ पहाड़ के, और यहाँ से ना थोड़ा सा गांव का व्यू लूँगा, आप लोग को दिखाऊँगा मैं, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और है दोस्तों, हवा आ रही होगी, शायद मेरी आवाज़ सही नहीं जा रही होगी, अब तो ये तो मेरे को एडिटिंग के टाइम भी पता चलेगा, और माइक भी नहीं लगाया हूँ। तो आप लोग को ना थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ लैला का गांव। अभी सामने ये है लैला का गांव, ज़्यादा घर नहीं है, इधर चार पांच घर है, घर ज़्यादा नहीं है। देखिए ये है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये है भाई गांव लैला का। वो जो सामने जो ईंट दिख रहा ना, बस वहाँ पर ईंट है, ज़्यादा घर नहीं है यहाँ पर। तो देख लीजिए भाई ये है कुछ इस तरीके से, ये पुराना घर है, देख लीजिए भाई पहले का ये घर है। और ये मजरा हुआ था पहले, ये लोग आग उग लगा दिए हैं। और ये घर भी देख लीजिए कुछ इस तरीके से था घर। अभी काफ़ी मैं ऊपर हूँ, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये ऊपर का कुछ नज़ारा है, उधर उस साइड में है वो लोग भी, उधर वो लोग उस साइड में देख रहे हैं। ये यहाँ पे लैला मजनू की कब्र है भाई, वो वहाँ से लेके यहाँ तक में ये लैला मजनू की कब्र है, इसी में किधर है यानी कि पता एग्जैक्टली। तो लोग कई ईरान में, तो कई बम्बई, तो कई राजस्थान, कोई बांग्लादेश, कोई नेपाल, कैसे यार ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों पब्लिक को चूतिया बनाते रहते हो आप लोग। यही है मेन ओरिजिनल गाँव लैला का, और यहाँ पर ये लोग नीचे मिलते थे, और वो मकबरा है सामने, ठीक है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम बना है भाई। तो ये लोग भी कुछ शूट कर रहे हैं, और अभी हम लोग चलते हैं नीचे धीरे धीरे। और देखो भाई इधर ड्रोन शूट भी लिया जा रहा है, सामने ड्रोन है। तो भाई अभी हम लोग यहाँ से ऊपर से धीरे धीरे कदमों से नीचे उतर रहे हैं, और नज़ारा देखिए भाई बहुत ही खूबसूरत है,
नीचे पार्टी होने वाली है रात में, तो और मज़ा आएगा इधर। लेकिन हम लोग तो रात में रुकेंगे नहीं, क्योंकि इधर कुछ लोग ना, इधर कुछ लोग सही आदमी नहीं है, जगह ना बिल्कुल सेफ नहीं है। इधर आदमी लोग ना आके गाड़ी से, वो आके ना आधे रास्ते में वो जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी है बड़ी वाली, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, वहाँ पे जो बड़ी वाली गाड़ी खड़ी है ना उधर आके रुक गए थे वो लोग। फिर उसके बाद हम लोग को देखे, फिर अंदर आए, अंदर आए तो और ज़्यादा लोग को देखे ना, फिर वो लोग भाग गए। तो ये सही नहीं है, इधर कभी भी आना तो अकेले नहीं आना, सेफ नहीं है भाई। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग ऊपर थे, ऊपर से अभी जा रहे हैं नीचे, और वो लोग फैमिली जो लोग थे ना वो लोग चली गई उधर। और इधर सीढ़ी ना थोड़ा डेंजर टाइप की है, इसके लिए मैं थोड़ा नीचे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि ये सीढ़ी तो कोई भाई वैसे तो बनी नहीं है। तो भाई मौसम तो बहुत ज़बरदस्त है, एक गाड़ी और आ रही है लेकिन वो ब्लैक है। वो लोग जो थे ना वो लोग ओनेट पे थे, वो लोग सही आदमी नहीं थे भाई, वो लोग ना बिल्कुल सही आदमी नहीं थे यार। अगर काश अगर ये लोग नहीं होते ना तो आज हम लोग के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, क्योंकि वो मेरे से सीधा बोल रहा था कि हाँ मोबाइल दे दो, आईफोन लियो, मोबाइल दे दो, मोबाइल दो। वो बाद में एक आदमी अंदर से बोलता है सिक्योरिटी, हम लोग सिक्योरिटी वाले हैं, देखो कैसे कैसे झूठ बोल रहे थे ये लोग। और देख लीजिए, तो भाई अभी इससे भी नीचे चल रहे हैं, देख लीजिए मेरे पीछे, अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। ये जो गुफा है यही है सामने गुफा, सब लोग आते हैं विजिट करते हैं यहाँ पे। लेकिन आप लोग को मैं एक चीज़ बताऊँगा ना, मैं बार बार मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ताकि आज हम लोग के साथ धोखा होने वाला था, जो कि हम लोग के साथ एक दुर्घटना होने वाली थी, उससे हम लोग बच गए। ये लोग नहीं होते तो फिर बहुत मुसीबत हो जाती। तो मैं ये मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग आ रहे हैं ना तो भाई बड़ी गाड़ी हो, कम से कम 7 लोग हो तभी आप लोग आइए, नहीं तो मत आइए इधर। हाँ, और यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं आता है, जो भी आता है ना, क्योंकि अभी मौसम नहीं है टूरिस्ट का, तो इसकी वजह से टूरिस्ट अभी आता नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे उसके बाद आप कंप्लेंट किसको करोगे, पुलिस वुलिस वाला कोई है नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है अभी। तो भाई जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं, ये जो सामने जो भाई जो जा रहे हैं ना, इनको भी बताया मैं, तो ये भाई बता रहे हैं मेरे को, ये अफलाद जो है ना यहाँ पे ना चोरी चमारी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा ही सिस्टम है इधर। तो बोलते हैं कि एहतियात करो और निकल जाओ आप लोग सवेरे सवेरे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं भाई, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सीधा निकलते हैं। और वो लोग तो गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं, तो अभी हम भी जा रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं नीचे, ये लोग आ गए थे, अभी जस्ट अभी हम आए, अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई देख लीजिए, यही थोड़ा नीचे से आप लोग को गाँव दिखा देता हूँ लैला मजनू का। ये गाँव है और ये कुछ घर है, और ये पहले देखिए पुल उल कैसे हुआ करते थे, ये देख लीजिए भाई, ये कुछ इस तरीके से। तो देख लीजिए भाई, यही है गांव लैला मजनू का, जो गांव है भाई मेन यही है अलफलाज और ये। तो भाई अभी हम लोग वहां से आए अफलाज से, और अभी जा रहे हैं रियाद की तरफ। और अभी होता बड़ी तमीम में रुके हैं, पेट्रोल स्टेशन है, थोड़ा सा टॉयलेट गए फ्री होने के लिए, और ये हुआ कि थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करते हैं। तो यहाँ पर ना ब्रोस्टेड का और शावरमा का काफ़ी मतलब होटल दिख रहा है। तो पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था तो पेट्रोल भी डला है, और अभी यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर बाकी है रियाद। तो अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर यहाँ से बिस्मिल्लाह करेंगे सीधा रियाद की तरफ। तो भाई हम लोग ना थोड़ा सा कुछ आलू वाला चिप्स लिए हैं फ्रेश, क्या बोलते हैं इसको, तो ये देखो भाई ठंडी ठंडी में आलू की चिप्स खाई जा रही है, क्या बोलते हैं इसको, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं ना, मैं नहीं बोल पाता हूँ ये नहीं देसी वर्ड में बोल दो ना भाई, आलू फ्राई, वही वही आलू की चिप्स भाई, आलू फ्राई। तो ये देखो भाई बहुत अच्छे से सत्ता कच्चप लगा के दिया है, सॉस जो होता है ना बहुत अच्छे से लगाया, मसाला भी डाला है, तो इसका भी लुत्फ उठाया जाता है। कैसा लग रहा सत्र भाई? भाई साहब आप वीडियो बनाते रहो, ये पूरा फिनिश हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, सच में देख लो भाई देख लो, आप लोग शुरू करो, देख लो भाई आपके भाई के ही बाइकॉट कर रहे हैं लोग, देख लो भाई। चलो खैर कोई बात नहीं भाई, जमाना ही चल रहा है ऐसा बाइकॉट करने वाला। तो ये है भाई देख लीजिए, गरम गरम, तो ये देखिए भाई मस्त दिख रहा है ना, मसाला लगा दिया है इसके ऊपर ना, जो सॉस आता है सॉस भी लगाया है, लेकिन कोई और मसाला इसके ऊपर भी डाला है। तो ट्राई मारते हैं, पानी लो, मस्त लग रहा है, एक दो, पानी काफी ठंडा है यार, ठंडी बहुत ज्यादा है, ढक्कन पहले खोल लेता हूं। अपना देसी सबसे बेस्ट है, देसी अंग्रेजी लोग ही खाते हैं इससे, अपने लोग से नहीं होता भाई।
बात जो है साफ, देख लो अपने हाथ से उठाओ हाथ से खाओ। ऊपर वाले ने कहने का क्या मतलब, कुछ और बोल रहे थे हाथ ऊपर वाले ने हाथ अभी सही सलामत रखा है अल्हम्दुलिल्लाह मस्त। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही उम्दा है ना, लजीज है, लजीज। देखो क्या क्या उर्दू वर्ड बोले जा रहे हैं आप लोगों ने सुना है कभी ऐसा वर्ड बताइएगा कमेंट में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, पसंद आएगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।